नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह गोल्डस्काई में आपका स्वागत है। पिछले कुछ सालों में भारतीय घरों में कुछ सब्जियों का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। इन्हीं सब्जियों में से एक है मशरूम। मशरूम खाना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। मशरूम में पाए जाने वाले विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन और पोटेशियम शरीर को कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। पूरी दुनिया में मशरूम की लगभग 14,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन खाने में सिर्फ लगभग 3,000 प्रजातियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। जब बात मशरूम को खाने की आती है तो कुछ लोग इसे उबाल कर खाना पसंद करते हैं, कुछ तल कर खाते हैं तो कुछ इसे सैलेड के तौर पर कच्चा ही खाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि मशरूम खाने का सही तरीका क्या है? न्यूट्रिशनिस्ट के मानना है कि मशरूम में विटामिन बी, डी, फोलेट, मैग्नीशियम, फाइबर, कॉपर और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये सभी पोषक तत्व एक दूसरे से काफी अलग हैं। इसलिए पोषण मूल्य को बनाए रखने के लिए मशरूम को सही तरीके से पकाना जरूरी है। कई लोग मशरूम को उबालते हैं और फिर फ्राई करते हैं या पकाते हैं। इससे मशरूम का स्वाद तो बढ़ जाता है, लेकिन कई बार इस प्रोसेस को अपनाने की वजह से पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट की माने तो मशरूम एक कवक है, इसलिए इसे हमेशा हल्का तलकर या भूनकर ही खाना चाहिए। तो अगर आप भी मशरूम का सेवन कर रहे हैं तो इन्हीं दोनों तरीकों से उसका सेवन करें तो आपको इससे ज्यादा फायदा मिलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।